भाई और भाई ओए भौंकता भी है। वाह भाई, क्या नाम है इसका भैया? इसका नाम है फुलसुख। फुलसुख फुलसुख अरे बाबा आया कहाँ से भैया? अभी कहाँ से है? इसकी आंखें कहाँ है भैया? आंखें कहाँ है इसकी? हाँ है, बड़ी बड़ी आंखें भी, बड़ी बड़ी। एक ये बैग पैक कर दिया, अब हम इधर निकल रहे हैं। प्लेट ने डाल दी मैंने, प्लेट और दो बैग भर दिया दीदी ने। इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको ट्रेन में दिखाऊंगी। कुछ तो मैंने दिखा दिया है, कुछ मैं आपको ट्रेन में दिखाऊंगी। और ये पूरी रात नहीं सोए और फिर से खड़े हो गए हमारे को छोड़ने। हम जा रहे हैं निजामुद्दीन स्टेशन ना भैया, बुकिंग भैया ने कराई, हमें कोई पता नहीं, हम बस जाने वाले और आने वाले। सब कुछ भैया ने करा है सारा काम। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, इतना फिक्र कर रहे हैं दीदी ना सच्ची में। बाकी हम आएंगे ना वापिस, सब हम यहीं से आएंगे, इसी घर से होते हुए आएंगे, फिर बनाएंगे अच्छे से वीडियो बाहर की भी, है ना। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, सुबह 4 बजे का टाइम है और भैया हमें छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और निज़ामुद्दीन स्टेशन से हमारी राजधानी एक्सप्रेस है 6:15। तो मैं सच्ची में क्या बताऊँ, ये देखो अभी हम लोग जो है रोड, मतलब सुबह सुबह खाली थे ना रोड, तो भैया अपनी गाड़ी में गए थे और भैया का ड्राइवर भी गया था। अभी सुबह का टाइम है, ये देखो हम पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन रेलवे स्टेशन पे, और अब यहाँ से हम ट्रेन लेंगे, 6:15 की ट्रेन है हमारी। ये देखो यहाँ से हमने ट्रेन जो है लेनी है, पहुँच गए हम हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन रेलवे स्टेशन। और इसके बारे में भी पूछ रही थी मैं भैया से, इनके बारे में भी कौन हुए थे ये। तो चलो दोनों बैग हमारे लिए पैक करे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, इधर भी ऐसा ही होगा, इधर भी ऐसा ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी चेकिंग होती है, बस स्टैंड पे भी हमारी ऐसी चेकिंग हुई थी। तो बैग यहाँ पे रखते हैं और ये फिर बैग दूसरी तरफ निकल जाते, लेने पड़ते हैं हमें। तो हर जगह पे चेकिंग से गुजरना पड़ता है हमें। और ये देखिए सबके बैग यहाँ पे आ रहे हैं, और ये देखो। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, आपको मैं बताती हूँ, ये खड़ी है यहाँ पे ट्रेन, और बहुत बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर करी है, यहाँ पे माइक लगे हुए, और हम इन सीढ़ियों से अभी जाएंगे ऊपर, जो ये पौड़ियाँ हैं स्वचालित। और मेरे को बड़ी बड़ी दिक्कत हुई मेरे को। संजय भैया तो निकल गए, यानी कि पापा भी निकल गए आगे, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, मेरा मैं जा ही नहीं पा रही थी, मेरे को डर लग रहा था। तो चलिए अभी हम चलते हैं 140 सीढ़ियों की तरफ। और सच्ची वैसे जो आदमी घर से नहीं निकला होता, तो यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था। और बाल मैंने पता क्यों खोले थे, क्योंकि मैंने ना धोए थे अभी अभी आते आते, तो गीले थे। तो अभी हम दूसरी साइड निकल गए हैं, यहाँ से हमने ट्रेन में बैठ, अभी हम ऊपर ऊपर एक वो है वो पुल जैसा, उसके ऊपर से हम पार्क को जा रहे हैं। और वो जो है प्लेटफॉर्म वो नीचे है, मतलब ट्रेन है। तो ये देखो यहाँ से हम अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। हमारे को बताया गया कि हमारा गेट कहाँ पे,
और ये देखो भैया ने सारे बैग उठा के रखे हैं जो उन्होंने हमें खाने को दिया था। तो चलिए चलते हैं, और हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि भैया हमारे साथ थे। तो देखिए यहाँ से अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ये देखो पहले ऊपर चढ़े पौड़ियों से उनसे, अब नीचे उतरे। देखो नीचे कितनी सारी ट्रेनें खड़ी हुई है क्योंकि रुक के भी नहीं वीडियो बना सकते थे ना, वैसे तो मैं बना रही थी, ऐसा नहीं है, वहाँ किसी ने मना नहीं किया। देखो कुत्ता, ये जो डॉगी है ना, इससे जो ये पौड़ी है ना, यहाँ से उतरा नहीं जा रहा था इससे, ठीक है, ये इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उतरने में। तो ये देखो ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, खड़ी हो रही हैं, और ये देखो मेरे ख्याल में यही है शताब्दी, शायद हम इसमें ही जाएंगे, सॉरी शताब्दी मेरी राजधानी एक्सप्रेस में, अच्छे वाली वातानुकूल, बड़ा अच्छा लिखा रहता है इसके ऊपर। तो यहाँ से हम देख रहे थे, नहीं इस साइड को नहीं है हमारी ट्रेन, हमारी ट्रेन दूसरी साइड को है, ठीक है, और आगे को ही हम जाएंगे। मतलब ये देखो मैं थोड़ा सा फ़ोटो खींच रही थी ट्रेन के साथ, अब मैंने सिर बांध दिया है अपना, अब बाल काफ़ी सूख चुके हैं क्योंकि मेरे को ना बड़ा दिक्कत जैसी होती है खुले बालों में, मैंने कि पापा बोल रहे थे मेरा भी थोड़ा वीडियो शूट कर दो, मैंने कहा ठीक है ट्रेन के साथ बोले, मैंने कहा ठीक है। तो ये देखिए अभी हम चल पड़े, देखो लोग यहाँ पे अपने अपने वेट कर रहे हैं, अब देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारी कौन सी सीट है, शायद ये भी राजधानी एक्सप्रेस की ही है। तो ये देखिए यही है हमारी ट्रेन, और अभी हमें बहुत आगे जाके जो है हमारी सीट है, हमारी सीट थी 43, 44, 45 नंबर सीट थी हमारी। और ये देखो ये बिल्कुल पास में से, हम इतना मैं कभी नहीं मतलब गए गुजरे कभी नहीं ऐसे ट्रेन के नज़दीक से, तो यहाँ से हम आए ऊपर से उतरे वो नीचे को, और ये देखिए बैठ चुके हैं सेकंड एसी पे, एसी वाली एसी में कैबिन भी। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दरवाजा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार सीटें होती है, दो इस साइड बैठ सकते हैं, दो उस साइड बैठ सकते हैं, ठीक है, पार्ली साइड, और दो हमें यहाँ पे, और यहाँ पे फैसिलिटी मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो वो एक कम्बल ऊपर रखा हुआ है, एक ये वाली बर्थ मिल जाती है सोने को, एक पार वाली है और एक ये वाली, एक पार वाली, ठीक है, तो कंबल मिल जाता है, तकिया मिल जाता है। तो अब सफ़र कैसा रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आरामदायक ही रहेगा क्योंकि हम तो पहली बार सफ़र कर रहे हैं, और अभी से ठंडक है, मतलब एसी है इसमें तो ठंडक है, कोई ऐसी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और अभी तो हम गए कहाँ हैं तो चलो तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। भैया पानी लेके आए, पानी मिलेगा, पानी लेके आ गए, हाँ जी, दीदी ने दो बैग पैक करके भेजे हैं, ये देखो देखो सामान, देखो आप इसमें सारा, ये
बहुत चीजें हैं इसमें, और ये देखो और इसमें ये देखो इसमें भी बहुत कुछ है दीदी ने, हर चीज भेजी है, अचार से लेके अमरूद, सेब, ये देखो सेब भी यहाँ पे, और ये देखो सेब भी भेजा है, सारा कुछ भेजा है, प्लेटें भेजी है नमकीन को। अब इसको रख दो आप लोग कहीं साइड में। और सच्ची में कहते हैं ना कि इसको भी रख दो नीचे। और अभी मैं और हनी के पापा क्या जा रहे हैं, हम सस्पेंस है, ये बताएंगे इनको जाके, जब वहाँ पहुँच जाएंगे हम। अभी आप सिर्फ सोचते रहो, वैसे मुझे पता है कुछ लोगों ने पानी जो रखो वो अंदर डाल दे दियो, कुछ लोगों ने ना गैस कर लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पानी बाहर रखे आए हम, चार बोतल शीशा यहाँ पे बंद रहेगा, और तो ये देखिए हमारी ट्रेन चल पड़ी है, और सवा छः बजे चली थी ना सुबह के, और मतलब मैंने बीच का भी बहुत शूट किया है, मुझे बाद में ध्यान आया, अब एक तो मैं पता नहीं लग रहा था कि हम कौन सी जगह पे पहुँचे हैं, तो अभी हम चल ही रहे हैं सिर्फ, काफ़ी देर तक तो दिल्ली में ही थे क्योंकि जो जानते हैं उनको तो क्या, लेकिन हमारे लिए एक नई चीज़ होती है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं, और पहले धीरे 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 चली आस्ते आस्ते, और अंदर हमें ना बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, अंदर तो हमें ऐसा लगा जैसे हम घर में बैठे हैं, अपने हिमाचल में बैठे हैं ठंडी में, क्योंकि एसी था लगा हुआ, और बस में भी हम एसी में ही आए चंडीगढ़ से, तो हमें बिल्कुल भी गर्मी का, और उधर से दिल्ली से हमारे को नीर जाती थी, और संजय भैया ने लाया तो उनकी गाड़ी भी एसी थी, तो कभी सुना करते थे कि एसी भी कुछ होता है, एक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पहाड़ों में, और दूसरे एसी आपको पता है कि महंगे भी होते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ये बिजली ट्रेन है, ये देखिए यहाँ से हम यहाँ से होते हुए हम गए थे, और यहाँ से हम नीचे को आए थे, तो ये उन लोगों के लिए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो कभी गए नहीं है बड़े शहरों में, या जिन्होंने मेरी तरह जो लोग हैं जिन पहली बार देख रहे हैं, वो भी मेरी आँखों से पहली बार देख लीजिए, अच्छी लगती है कभी कभी ये चीज़ें देखना, और जाना चाहिए यार सच्ची में, अगर भगवान मौका दे कभी ना, है सब पैसों का ही खेल है, बोलना आसान है कि निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी तो चलो। मैं ऊपर वाली बर्थ पे लेटी हूँ, और चाय आ गई है, 8:30 बजे का भी टाइम हुआ, पहुँचे हम पता नहीं कहाँ पे, ये हमें नहीं पता, हमें इतना बताएंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हम पहुँच गए रात के 7:30 बजे, दांत में दर्द हो रहा है, हम पता नहीं क्यों, अभी जस्ट लगा, इसी यहाँ नज़दीक है ना, इसी हवा रही है। तो ये देखिए ये था हमारा नाश्ता, और हम यहाँ पे हम ही नहीं थे, यहाँ पे चार लोग थे, दो और भी बैठे हुए थे, तो ये सबका एक ही जगह पे रखे गए थे, हम सब लोग सो रहे थे, तो वो सबका ना एक ही टेबल पे रखे गए थे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नाश्ते तक का मैंने शेयर कर दिया, ये ट्रेन में था, किराए में शामिल होता है, जो लोग यात्रा करने जाते हैं उनको भी मैं बता दूँ, तो फिर अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम।